विल स्मिथ का शुमार हॉलीवुड के टॉप अदाकारों में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने गुज़िश्ता साल से अब तक 3,50,00,000 से जायद की कमाई कर रखी है। ज्यादा कमाई करने वाले अदाकारों में पॉल रुड ने भी अपनी पोजीशन बेहतर की है, जिनकी मजमूई आमदनी 4,10,00,000 अमरीकी डॉलर रही। क्रिस एवेंस एक बाकमाल अदाकार तो हैं ही, लेकिन वो 4,35,00,000 अमरीकी डॉलर के साथ कमाई में भी पीछे नहीं रहे। बिग डैडी, जैक एंजल, फनी प्यूपल और मर्डर मिस्ट्री जैसी फिल्मों में काम करने वाले अदाकार एडम सैंडलर 5,00,00,000 से ज्यादा कमाकर इस फेरिस में 7वीं पोजीशन पे आ गए हैं। अमरीकी फिल्म साज और अदाकार ब्रेडले कॉपर 5,70,00,000 अमरीकी डॉलर के साथ 6ठी पोजीशन पर हैं। अपनी मजाया और मार्शल आर्ट पर मबनी फिल्मों से लाखों दिलों को दीवाना बनाने वाले अमरीकी और चीनी अदाकार जैकी चैन ने 5,80,00,000 डॉलर्स हासिल करके 5वीं पोजीशन पर कब्जा कर रखा है। दौलत कमाने में भारतीय फिल्म नगरी भी पीछे नहीं है। 4थे नंबर पर बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार का नाम रहा, जिनकी कमाई 6,50,00,000 अमरीकी डॉलर रही। आयरन मैन रॉबर्ट ड्रोनी जूनियर ने दौलत कमाने में 3री पोजीशन हासिल कर ली है, जो गुज़िश्ता साल से अब तक 6,60,00,000 डॉलर अपने बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन अदाकार क्रिस हेम्सवर्थ अपनी अदाकारी के जरिए पैसा कमाने में 2री पोजीशन पर आ गए हैं। उन्होंने मजमूई तौर पर 7,64,00,000 डॉलर हासिल किए। अमरीकी अदाकार प्रोड्यूसर और साबिक रेसलर डिवाइन जॉनसन ने एक मरतबा फिर दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अदाकार का एजाज हासिल कर लिया है। फॉर्ब्स मैगजीन के मुताबिक डिवाइन जॉनसन ने दुनिया के तमाम अदाकारों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा दौलत कमाई। उन्होंने गुज़िश्ता एक साल में 8,94,00,000 डॉलर तक अपने बैंक अकाउंट में जमा कराए। उनकी आमदनी का बड़ा जरिया फिल्मों और टीवी सीरीज के साथ साथ कई इंटरनेशनल ब्रांड्स भी थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।